वेब सीरीज आ रही है, आप बताएं कि किस तरीके की ये वेब सीरीज आने वाली है और इसमें किरदार किस तरीके का आपका निभा रही है? सो द पोस्टर इज ऑलरेडी हियर, सो एज यू कैन सी एक विमेन है जो कि थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट सॉर्ट ऑफ है, यानी कि बुराई और अच्छाई पे जीत का कुछ तो कंसेप्ट है, पर यहाँ ये नहीं पता कि बुराई क्या है और अच्छाई क्या है. वी आर टॉकिंग अबाउट इम्परफेक्शन एंड वैभव लक्ष्मी प्रोडक्शंस एंड इट इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आशीष शर्मा एंड आशीष सिन्हा एंड द प्रोड्यूसर इज सरोज शर्मा जी. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मेरी अब तक इनसे हमेशा फ़ोन पर इंटरेक्शन हुआ, लेकिन पहली बार मैं खुद आज अभी ऑफिस में मिली हूँ. सो इवन आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई हैव लॉट ऑफ क्वेरीज, सो लेट्स वेलकम हियर. कम कम एंड प्रोड्यूसर सर इज जी सरोज जी. तो आशीष सिन्हा जी, आपने ये जो प्रोडक्शन चालू किया है तो क्या मतलब किस तरीके के सब्जेक्ट को लेकर आपने सोचा कि मुझे इस सब्जेक्ट पर काम करना है और कहाँ से प्रेरणा आई आपने? एक्चुअली वेब सीरीज तो बहुत अभी चल रही है अलग अलग जॉनर में, तो मैं कुछ लिख रहा था, अचानक मुझे एक कॉन्सेप्ट नज़र आया. मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो भी रियल इशूज़ है, जो कि बहुत लोग इस इशू को नहीं उठाते, मतलब सबको हिम्मत नहीं होती उठाने के लिए. तो ये एक थोड़ा बोल्ड सब्जेक्ट था, जैसे इन्होंने भी कुछ क्लियर बताया नहीं है, बट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन लोग इसको सामने से पेश नहीं करते. तो मुझे मेरे लिए एक चैलेंज था, बट मैंने जब स्क्रिप्ट लिखी, एक थ्रिलर टाइप बनाया इसे, तो मुझे लगा नहीं इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं सोसाइटी को. एक हमारे अंदर जो इन्होंने जैसा इन्होंने बताया कि एक राम भी है रावण भी है, तो वो हमारे अंदर ही है, और हम कभी कभी हम डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या सच है क्या गलत. तो सच गलत कुछ नहीं होता है, जहाँ आपके दिल क्या कहता है कि मॉरली आप सही हैं, तो वहाँ पर वही सच्चाई होती है. तो स्क्रिप्ट में ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं ज़्यादा स्टोरी नहीं रिवील कर सकता हूँ. तो जब मैं लिखा तो मुझे तो अच्छी लगी एज अ राइटर, मुझे रेट करना था. फिर मैंने जब इनको भेजा, पहले तो सरोज जी को सुनाया, तो इनको प्रोजेक्ट अच्छा लगे किसी प्रोड्यूसर, तो बोले कि चलो चैनल पिच करते हैं. उन्हें अभिषेक जी से लगा कि फिर उनको जब फर्स्ट टाइम ही जब मैंने भेजा, उन्होंने शायद वन नाइट में ही पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली, और मैं बोला ओके डन करते हैं. तो उससे बेटर क्या हो सकता है, मतलब फर्स्ट टाइम उनको ही पसंद आ गया. तो एज अ डायरेक्टर राइटर मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ अच्छी चीज़ लिख दी है, और बस ऐसे ही वो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया. एक डायरेक्टर के लिए कास्टिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो कि कैरेक्टर से पूरा मैच करना चाहिए. तो उसके लिए आपको कितना चैलेंज था आपके लिए, और उसके लिए अप्रोच कैसे किया आपने आर्टिस्ट को? सी चैलेंज तो था, क्योंकि जो खासकर हमारे वेब सीरीज का लीड कैरेक्टर है, जो एक मीरा नाम का कैरेक्टर है, पूरी कहानी उसके इर्द घूमती है, और जो भी बात कहना चाहिए उसके थ्रू ही चल रही है. तो जो लीड कैरेक्टर था वो सबसे इम्पोर्टेंट था, तो उसके लिए हमने बहुत डिस्कशन हुई, हमने बहुत सारे ऑडिशन कास्टिंग किए. फिर अचानक उन्होंने नाम लिया अभिषेक जी के, सुना कि इनका, तो वन गो में मैंने इनकी सारी चीज़ें जब देखी अब जानी, तो मुझे लगा कि नहीं इसके लिए परफेक्ट कैरेक्टर, क्योंकि इसमें जो इमोशंस है वो सिर्फ ऐसा नहीं है सिंगल, इसमें आपको इमोशनल है और एक ड्रामेटिक, आपको एक जो वीर रस की बात होती है वो भी है, सारे रस आपको मिल जाएंगे इस कैरेक्टर में. तो मुझे लगा ना एज एन एक्टर शी इज़ ग्रेट, तो मुझे खुशी है कि ये हमारे प्रोजेक्ट में आई है और हमारा प्रोजेक्ट अब उस लेवल पर बन जाएगा. मतलब शुरुआत छोटे से हमने किया था सोच करके, बट ये प्रोजेक्ट अभी बहुत अच्छे लेवल पर जा रहा है, और जिस बात की खुशी है. आज मोहरत शॉट भी हुआ और कुछ सीन्स भी हुए, पूजा भी हुआ. अब ये फिल्म की शुरुआत जो एक्चुअल रियल इसकी शूटिंग है, कब से शुरू होने वाली है? तो जस्ट अभी शुरू ही करने वाले हैं, विदिन वन वीक पूरी कंप्लीट शूटिंग इधर मुंबई में होने वाली है और आसपास. कंप्लीट टू फिनिश होने में फिर आपका जो आईमैक्स टीवी डिजिटल में ऑडियंस के सामने तक आने में कितना समय लगेगा? डिपेंड्स ऑन द चैनल, बट वी विल डिलीवर बाय वन मंथ, मतलब विद इन वन मंथ, एक मंथ के बाद हम डिलीवर कर देंगे. मुझे लगता है कि कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि जितनी जल्दी रिलीज हो जाए. ऑब्वियसली और भी कोई प्रोजेक्ट हैं आपके आने वाले के? हाँ, अभी इन एमएस टीवी से भी दूसरा एक और प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, दैट्स नॉट रिटन बाय मी, बट वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. राइटर इज सोम देश पांडे, और उसने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे सुनाया. कॉन्सेप्ट अभी मैं नहीं सुना पाऊँगा, इट्स क्राइम बेस्ड और सस्पेंस हर दोनों प्रोजेक्ट में है, थ्रिलर है, फन भी है उसमें, कॉमेडी भी है. तो वो प्रोजेक्ट भी एक अलग थोड़ा कॉमेडी लिए हुए, तो ज़्यादा स्टोरी नहीं रिवील कर सकता, बट इट्स अ क्राइम कॉमिक बेस्ड सीरीज, वेड अनलॉक, टाइटल वेड अनलॉक. थैंक यू सर. थैंक यू. और सरकार नहीं, ठीक है सर. सरकार और कोई ना, और कोई है भाई? ये प्रोजेक्ट के लिए हो गया, और अनदर प्रोजेक्ट आज बराबर.
फोटो ले लो भाई, तुम विजुअल है ना, ले लो भैया। कॉन्ग्रेचुलेशन वेट अनलॉक के लिए। और ये किस तरह की वेब सीरीज़ है, इसमें आपका किस तरीके का किरदार है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताओ। हाँ, थैंक यू। वेब सीरीज़ का नाम वेट अनलॉक है, अनलॉक के लिए। इसमें कैरेक्टर जो है, जो मैं किरदार कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, मज़ेदार है, इमोशंस है और थ्रिलिंग भी है और थोड़ा लव सीन भी है, तो जिसके लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड डायरेक्टर जो सर है सुजीत आशीष सर जो जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है, तो इसका जो ये जो कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर तरीके से ये कैरेक्टर को खेलने को भी मिलेगा, तो बहुत ही ज़्यादा मैं थैंकफुल कहता हूँ सर को भी। और बहुत जल्दी हम लोग शूट भी करने वाले हैं, तो चैनल का नाम है IMAX TV डिजिटल है। और सर को मैं जब सर ने ब्रीफ दिया था इसके बारे में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक इमेजिनेशन स्टार्ट हो गया था कि कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं हम लोग इसके साथ और क्या क्या इमोशंस जोड़ सकते हैं। तो वेरी मच एक्साइटेड एंड वेटिंग फॉर द डे व्हेन विल स्टार्ट द शूट। थैंक यू। वेट अनलॉक जैसा नाम लग रहा है, जैसे लगता है कि कहीं फसाहट है, शादी में या तो हो नहीं पा रहा है, तो काफ़ी बाधाएं लग रही हैं, और इसमें क्या है, ऐसा क्या, किस तरीके की बाधाएं या क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या जी, बात यह है कि जो बंदा है उसको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो अलग तरीके से एक शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है कि कैसे मतलब कमाया जाए, कैसे कुछ किया जाए। तो ये कैरेक्टर वैसा है, उसके ऊपर ही डिपेंड करके ये स्टोरी बन रही है, तो कि कैसे उसको आसान तरीके से कमाया जाए, तो यही चीज़ है। इसलिए शादी करके कैसे हाँ, तो उसके साथ लव जो चीज़ है वो भी स्टोरी में है, इमोशंस है जो मैंने बताया आपको, जो इमोशंस जो है उसको मिक्स करके ये नाम दिया गया है सर। आप आशीष सिन्हा जी, आपने ये भी वेट अनलॉक भी लिखा है? नहीं, ये लिखा नहीं मैंने, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको। डायरेक्ट कर रहे हैं आप? ये किसके द्वारा लिखा? ये सोम देशपांडे हैं, गुड राइटर, गुड राइटर है, तो उसने मुझे सुनाया था पहले कॉन्सेप्ट, उसने डेवलप किया है प्रोजेक्ट, रेडी तैयार शूट के लिए। आपको क्या लगता है, ये जो प्रोजेक्ट है, जो आपने आर्टिस्ट को जो चयन किया है, जो कास्टिंग की है, क्या समझ में आता है, क्या इमेजिनेशन आता है, क्या थॉट आते हैं कि हाँ मुझे इस कैरेक्टर के लिए ऐसे आर्टिस्ट को चयन करना, क्योंकि उसको आगे तक ले जाना बड़ा चैलेंज होता है, ये चैलेंजिंग कैसे रहा आपके लिए? एक्चुअली क्योंकि मैंने लिखा नहीं, बट जब मैंने स्टोरी पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ा, तो वो क्या है कि वो कैरेक्टर जो है वो तो चीज़ें समझ में आने लगती है। अब हम विजुलाइज करने लगते हैं कि हमें एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए, भले हम उसको विजुलाइज भले ही बड़े शाहरुख खान इस लेवल पे करते हैं, बट एक समझ में आ जाता है कि इसमें क्या क्या इमोशंस है। तो हम जब ऑडिशंस करते हैं, सारी कास्टिंग करते हैं, तो हम उनमें वही चीज़ ढूंढना चाहते हैं कि बंदा ये कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे ऑडिशंस देखे, फिर अचानक इनका भी आया बीच में, और इनके बाद भी बहुत सारे ऑडिशंस आए, तो फिर क्या मालूम मुझे जो चाहिए था वो मिल गया ऐसा लगा जब मैंने इनका देखा। तो इनके बाद भी मैंने बहुत सारे ऑडिशंस करवाए, सारी चीज़ें देखी, बट एक होता ना कि माइंड में कैरेक्टर जो मेरे माइंड में बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ, इसके ये इमोशंस हो गए, उसकी एनर्जी इतनी होगी, वो सारी चीज़ें मुझे इनमें मिल गई। और वो जब फर्स्ट टाइम फिर हम मिले, सारी चीज़ ब्रीफ की, तो इनको भी चीज़ें अच्छी लगी, मुझे लगा कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया। इस फिल्म की शूट कब से चालू होने वाली है? इसका भी हम जो मॉरल जस्टिस कर रहे हैं उसके जस्ट बाद हम इसका भी शूट करेंगे, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से हम शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। एक और है, दोनों को लेके आना, दो शुद्ध शब्द बोलिए। देखिए, पहली चीज़ तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ, द एंटायर टीम इज़ हियर एंड हमने आज मुहूर्त शॉर्ट किया है, एंड अभिषेक से हमारी काफ़ी बातें हुई हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी IMAX TV की, कि वो एक ऐसे मोटिव के साथ आ रहे हैं, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर OTTs जो हैं वो ज़्यादातर फोकस करते हैं ऐसे कॉन्टेंट में जो कि बिना मतलब के बोल्ड दिखा रहे हैं, बिना मतलब की बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, जिसका उस कंटेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड एज अ टैलेंट दैट कोई भी चीज़ जो
कंटेंट में रह के या फिर कंटेंट में रह के हो, वो चीज़ करने में मज़ा आता है, जिसमें कि आपके अंदर आपका जो टैलेंट है, आपका जो रियल टैलेंट एक एक्टिंग होती है, एक्टिंग बेस्ड सब्जेक्ट जहाँ पर अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिले, और ऐसा कुछ जो मैंने आज तक कभी नहीं किया हो और कुछ अलग करने का मौका मिले, तो मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ, और मेरे लिए वो लोग भी बहुत प्रेरणा स्रोत होते हैं. तो द मोमेंट आई मेट हिम, आई थिंक वी जस्ट यू नो काइंड ऑफ कनेक्टेड एंड वी अंडरस्टूड दैट वी आर ऑन द सेम पेज. एंड थ्रू दिस चैनल आई थिंक वी विल बी, आर USP ऑफ द चैनल विल बी कि हम ऐसी चीज़ें जो मॉरली कहीं ना कहीं लोगों को जाकर एक जगह पर सोचने को कुछ मजबूर करें, और हम कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आए, एक ऐसा संदेश लेकर आए कि लोगों को समझ में आए कि हाँ, ये रियल क्वालिटी और रियल कंटेंट कहाँ पर हो रहा है. एंड दैट्स गोना बी द IMAX USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट. मौरा शॉट भी हुआ, पूजा भी हुआ जी. तो बताएंगे ये शो किस तरीके का है और ये क्या आने वाला है, किस तरीके का शो जी? मैं अपने वेब सीरीज के बारे में डेफिनेटली बात करना चाहती हूँ, जो कि IMAX की सबसे पहली वेब सीरीज होगी जो आएगी, जिसका नाम यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, मॉरल जस्टिस. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि वी विल बी ब्रिंगिंग आउट द सब्जेक्ट जो कि आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा, और शायद आपको कोशिश ये करने को दिखाएगा कि हर इंसान के अंदर राम और रावण होता है. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है. हम इम्परफेक्शंस की बात करेंगे, हम ये बताएंगे कि हाँ, अगर हम अपने आप को रेक्टिफाई करें और ये जान पाए, क्योंकि ये जो जर्नी है हम सब की, वो खुद की ही होती है, तो वो हम अगर उस जर्नी के रहते रहते ये समझ जाएं कि हम कब राम है और कब रावण, और कौन सही है और कौन गलत, इसमें ना पढ़कर ये जाने कि अगर रामायण में राम जी ने बहुत कुछ किया तो वो निर्धारित था करना, और वो तभी कर पाए क्योंकि रावण वहाँ पर था. अगर रावण ने वो कार्य नहीं किया होता तो राम जी वो पूरी की पूरी जो वनवास है वो नहीं कर पाते, और आगे जो जिंदगी उनकी चली और वो कैसे उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो अपनी एक सोशल सब्जेक्ट आज तक हम उसे फॉलो करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्योंकि उन्होंने रावण को डिफीट किया था, और कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बुरा कार्य अगर किसी ने किया था तो वो रावण है, इसीलिए किसी का नाम रावण नहीं रखा जाता. तो उसी तरीके से हमारी जो ये वेब सीरीज है मॉरल जस्टिस, ये हमारे अंदर के एक मोरल को बूस्ट करेगी और बताएगी कि हम में ही राम है, हम में ही रावण है, और इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ हमारी टीम की कि उन्होंने मुझे इतने खूबसूरत से सब्जेक्ट के लिए चुना है, एंड वेरी वेरी एक्साइटेड कि जल्दी से हम शूट करने वाले हैं और आपके सामने IMAX लेकर आए. ये सब्जेक्ट आपको कैसे अप्रोच किया गया? आई थिंक आई शुड जस्ट कॉल हिम हियर, अभिषेक कुमार. आई थिंक अभिषेक इज द वन हु विल बी आंसरिंग दिस क्वेरी. आई थिंक सब्जेक्ट वाज सेंट टू मी बाय आशीष एंड सुजीत एंड द प्रोड्यूसर सौरभ जी, एंड द सब्जेक्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छाई में बुराई भी है, बुराई के साथ अच्छाई भी है, तो इज दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट, एंड द राइट फेस टू प्ले विद दैट कैरेक्टर वाज हर, सो दैट्स हाउ इट वर्क्ड. तो इस कैरेक्टर के लिए आपने इनको अप्रोच कैसे किया, क्या लगा आपके दिमाग में, क्या आया कि हाँ? हम लोग की ऑलरेडी एक सीरीज के लिए बात चल रही थी. जी जी जी, ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट के लिए बात चल रही थी, एंड द सेकंड थॉट वाज आई थिंक शी शुड बी डूइंग इट अगेन. प्लॉटिंग क्या है इस फिल्म की, प्लॉटिंग बता सकते हैं? प्लॉटिंग खोल दिया तो आप देखोगे. हमने इतनी अच्छी बात तो बताई, दैट्स इट्स अबाउट राम एंड रावण, इट्स अबाउट मोरल एथिक्स. ओके, चाहे अपना भी हो लेकिन जब लंका में आग लगानी है तो अपना ही लगा. जैसे देखा कि मोरल शॉट हुआ, तो लोकेशंस क्या क्या रहेंगे यहाँ? मुंबई, ये शूटिंग इन मुंबई. और पूरी फिल्में यहीं पे शुरू हो, पूरी सीरीज यहीं शुरू हो रही है मुंबई के आसपास. और आने वाले और भी कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि IMAX टीवी डिजिटल के द्वारा? IMAX अभी जो कर रहा है, एक है वेड अनलॉक, एक सो देयर इज मॉरल जस्टिस, देन वी हैव अ स्टैंड बाय 10 जिसका नाम है बैंड बाजा आफत, एंड देन देयर इज मिसिंग व्हिच इज अगेन रीकास्टेड एंड रीशेड्यूल्ड विद बेटर एक्टर्स. ओके, थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू सो मच. कोई लेट मी नो, पूछ लो पूछ लो कौन कौन है. हसन भाई नहीं, कोई नहीं बोलता, हमने बाइट भी कर दी भाई, हम बाइट हो गए. बोलो हमको पांडे का इंतजार नहीं करना, कोई नहीं बोलता, सबका ही. हम तीन लोग हैं, वो एक आपको भी आना है, इसलिए थे हम दो. नहीं सर, एक आपको भी आना है. अभी बंद किया, बंद.
निकलना है अभी हमारा दूसरा जल्दी फटाफट जल्दी जल्दी हाँ बुक देंगे हम बांट दे देंगे तुम्हें जल्दी फटाफट। मैम कैसा लग रहा है आपको इस फिल्म का हिस्सा बनके और किस तरीके की ये मूवी है इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में? पहली बात मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड जब भी हम कोई वेब सीरीज साइन करते हैं उससे पहले हम स्क्रिप्ट पे ध्यान देते हैं कि स्क्रिप्ट में ऐसा क्या है जो हमें आकर्षित करता है उसकी तरफ। तो मुझे मेरे कैरेक्टर के साथ लगा कि मैं बहुत ज़्यादा खेल सकती हूँ उसके साथ, नॉट अ नॉर्मल कैरेक्टर जो आप इमेजिन करते हैं, और ये वेब सीरीज बाकी वेब सीरीज से बहुत अलग है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं सस्पेंस अभी सब ओपन कर दूँ, बट मेरा कैरेक्टर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को सारी बातें तो बस हम काम करेंगे बाकी वीडियो आप लोग आप कॉल कर लेंगे। चलो मोहन मुझे सर आइए। हाँ बोलिए सर, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट अभी तक जितने भी बाइट्स आप लोगों ने लिया है उससे आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। तो मुझे लगता है बाकी कुछ इस वेब सीरीज के बारे में कुछ वैसा बचा नहीं है बताने के लिए, बाकी अब आप जब सीरीज देखेंगे आईमैक्स चैनल पर उसके बाद आपको सारी। आप ऑडियंस को क्या अपील करना चाहेंगे लास्टली? ऑडियंस से मेरा हमेशा से ये कहना रहा है, ये अभी नहीं कि अच्छी चीजें जरूर देखें, चाहे वो किसी OTT चैनल पे हो या सिनेमा घर में जाकर के देखना हो तो वो देखना। और हम लोग की हमेशा कोशिश रही है कि जो बेहतर हो जो अच्छा हो वो हम लोग करें, और ये हम लोग काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं दोनों ही, ये अपना वेड एंड अनलॉक और मोरल जस्टिस दोनों ही बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बस यही है कि जब हम लोग शूट पे जाएंगे और प्रोजेक्ट आएगा तो करेंगे। इतना एक साथ।